जय हिंद। बस जय हिंद। बस अब 5 या 10 मिनट में शिवाजी पार्क पहुंच रहा हूं मैं। 5 या 10 मिनट में मैं कल से घर से बाहर था, क्योंकि मुंबई की सारी पुलिस मुझे ढूंढ रही है और जो मैं आंदोलन करना चाहता हूँ उसमें रोक रही है। मेरे घर के बाहर सारे पुलिस वालों ने बंदोबस्त रखा है, दोनों घर के बाहर मुझे पुलिस ढूंढ रही है कि ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। मगर जब मैंने हिंदुस्तान के स्टूडेंट से वादा किया है कि मैं आंदोलन करूंगा तो 1000% करूंगा। बस अभी मैं निकला हूँ और अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे इतना बंदोबस्त है, शिवाजी पार्क में इतना बंदोबस्त है कि मैं उतरते ही वहाँ पे मीडिया वाले भी बहुत आए, उतरते ही मुझे अरेस्ट करने वाले हैं। DCP, ACP, सीनियर, कम से कम 300-400 पुलिस वाले आए कि ये मेरा आंदोलन हो ना सके, इसके लिए मुझे रोकने के लिए आए। मगर ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं स्टूडेंट्स के साथ पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। बस अभी कुछ ही 2-5 मिनट में पहुँचने वाला हूँ मैं, तब मैं लाइव नहीं आ सकूँगा क्योंकि मैं उतरते ही मुझे अरेस्ट करेंगे। ये है अपना तो अपना ख्याल रखिए। मैंने वादा किया था कि मैं अकेला, खुद अकेला, कोई नहीं चाहिए, आप अपने घर पे बैठो, सुरक्षित रहो, मैं अकेला आपके लिए लड़ूंगा, वो लड़ाई करने अकेला जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जय हिंद। दुआ में याद रखना और ऐसे ही स्टूडेंट्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ साथ उनके माता पिता भी ये लड़ाई में है, क्योंकि अगर वो बच्चे को कुछ होगा तो वो माता पिता क्या करेंगे। हाँ, तो ये लड़ाई उनके माता पिता के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। चलो मिलते हैं फिर। जय हिंद। दुआ में याद रखना।